बनी में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और सड़क हादसों की वजह से जो है कई लोग जो हैं गंभीर रूप से यहां पर घायल होते हैं और उसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की सेक्रेटरी काजल राजपूत जी। काजल जी स्वागत है न्यूज इनसाइटर में आपका। थैंक यू। काजल जी सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आज आपने फिर से देखा कि एक जो सड़क हादसा जो बनी में पेश आया है जहां पर दो युवकों की गंभीर रूप से उनका उपचार जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा था जिसमें से एक की हालत जो ज्यादा क्रिटिकल देखते हुए यहां से फिर से उसको रेफर कर दिया गया एम्बुलेंस में, तो क्या देखते हैं मैम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक रेफरल हॉस्पिटल बनता जा रहा है? देखिए रेफरल हॉस्पिटल की बात तो आए दिन ये वायरल ही हो रही है चीज की बनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है एक रेफरल हॉस्पिटल है। क्वेश्चन मार्क है अपने आप में कि क्यों, क्योंकि बेसिक सुविधाएं भी हमारे बनी हॉस्पिटल में नहीं है। स्ट्रेचर्स की आप हालत देख लो, स्टाफ की आप हालत देख लो, उनकी यूनिफॉर्म की आप देखोगे तो यूनिफॉर्म में बहुत कम स्टाफ आपको मिलेगा। स्ट्रेचर्स फटे पुराने, आप पेशेंट को अंदर कैसे लेकर जाओगे? स्टेयर्स देखो, वहां पर खुद जो परिवार वाले हैं वो उठाकर अंदर लेके जाएंगे, बाहर लेकर जाएंगे। कोई यहां पर रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। हमने बड़ी बार डिमांड रखी डिपकॉम साहब से, डीसी साहब से, बनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस हॉस्पिटल की तरफ देखा जाए, लुकआउट किया जाए, यहां पर जो भी कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। इतने फंड्स यहां पर आते हैं, वो फंड्स जाते कहां पर हैं? कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर स्टाफ ही नहीं होगा तो उन कॉम्प्लेक्स उन बिल्डिंग्स का हम करेंगे क्या? लोग आए दिन ऐसे ही मरते रहेंगे, यहां से रेफर होते रहेंगे, तो बनी हॉस्पिटल किस बात का, किस नाम का है बनी हॉस्पिटल? बिल्कुल सही कहा काजल जी आपने। और एक और चीज जो यहां पर है कि कोई भी जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर आज तक बनी में नहीं आया, और यदि आता है उसकी ट्रांसफर होती है तो रिटर्न ऑर्डर्स में ट्रांसफर होती है और अगले दिन पता चलता है वो यहां से शिफ्ट हो चुका है, तो क्या देखते हैं कि मैम लोग यहां पर क्या वोट नहीं देते? देखिए वोट लोग देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों ने किसी सही नुमाइंदे को चुना है जो इनके लिए, हक के लिए, लोगों की जो लोगों की आवाज है उसके लिए लड़ सके। जो जीतते हैं वो घर पर बैठ जाते हैं और जो बाकी है वो फॉर्मेलिटी जरूर करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सही में लोगों की चिंता है कि जो बनी में इतने सारे मसले हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे लगता है कि बनी में शायद ना तो कोई लीडर रहे हैं, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन इतनी गौर करती है। अभी तक जो भी चीजें आई, हम जब से मैं सियासत में आई हूं, मैंने जो चीजें देखी है, मुझे बहुत दुख होता है कि हमारी बनी जैसे इलाके कई ऐसे हिमाचल में हैं, आप भद्रवाह किश्तवाड़ जैसे इलाकों में जाओ, मिलते जुलते इलाके हैं, लेकिन वहां की डेवलपमेंट देखो और बनी की हालत देखो। यहां पर बेसिक फैसिलिटीज को लेकर भी लोग आज रो रहे हैं, तो वो किसकी नाकामी है? सरकारें कितनी यहां पर आई कितनी गई, हर सरकार का लीडर यहां पर बना, लेकिन किया क्या किसने आज तक? मुझे बड़ी हैरानगी की बात होती है। हॉस्पिटल हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है बनी में, लेकिन आज स्टाफ की कमी वहां पर इतनी देखी जाती है, कोई स्पेशलिस्ट वहां पर नहीं है। महिलाएं हमारी, प्रेग्नेंट महिलाएं हमारी यहां पर पालकियों में लाया जाता है, कई रास्ते में दम तोड़ देती हैं, कोई हॉस्पिटल में दम तोड़ देती हैं, क्योंकि यहां पर आकर उनको पता है इन्होंने रेफर ही करना है। जब यहां पर कोई स्पेशलिस्ट ही नहीं आएगा, उनको सरकार सैलरी दे रही है, तो बनी में कोई क्यों जॉब नहीं करना चाहता है? कौन तंज कसेगा इसके ऊपर? क्या हमारी कोई ये एलजी सरकार या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीसी साहब, किसी को तो इसकी तरफ देखना पड़ेगा और इसकी हल कुछ निकालना पड़ेगा, क्योंकि बनी का इलाका बहुत महरूम है इन बेसिक सुविधाओं को लेकर। क्या मांग करते हैं मैम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जो डीसी कठुआ भी आए दिन यहां पर आते हैं और कई उन्होंने खैर लोगों के मसले हल भी किए, लेकिन क्या देखते हैं कि आने वाले समय में क्या आपकी तरफ से क्या मांग रहे थे डीसी कठुआ जी से? हमारी जब भी बात हुई, हमने कोई भी डिमांड रखी, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छे से उस मैटर को देखा और सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं एक बार फिर से डीसी कठुआ से ये निवेदन करती हूं, हमारा जो ये स्वास्थ्य विभाग है, मैं उनके ऑफिसरान से ये निवेदन करती हूं कि प्लीज बनी हॉस्पिटल की तरफ भी देखा जाए। हमारे जो यहां के स्टाफ के लेकर नीड जो है बहुत जेन्युइन है, यहां पर वैकेंसीज को फिलअप किया जाए, स्पेशलिस्ट यहां पर भेजे जाए, ताकि हमारा बनी जो आज वायरल हो रहा है कि यहां पर रेफरल हॉस्पिटल बन रहा है, उसके लिए एक फुल स्टॉप जो है वहां पर लगे और हमारे जो मरीज है उनका यहां पर अच्छे से इलाज हो पाए। बहुत शुक्रिया काजल जी हमसे बात करने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर।